जैसे सबको राइट्स मिलते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट्स को भी राइट्स हैं, और हर स्टूडेंट को अपने ये राइट्स पता होने चाहिए। और ये राइट्स स्टूडेंट्स को देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला राइट स्टूडेंट को मिलता है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन में उसे ये राइट है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकता है अपनी आंसर शीट को लेकर। रिजल्ट के बाद अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी रिजल्ट आया है, और वो अपनी आंसर शीट की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो वो आरटीआई के अंडर एक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये पहला राइट हो गया। सेकंड राइट जो एक स्टूडेंट को मिलता है वो है राइट टू इक्वालिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में उन्हें ये राइट मिला है कि जो भी स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट है, सब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर स्टूडेंट समान होते हैं। उनमें किसी भी तरह का रंग भेद, किसी भी जाति, अमीरी गरीबी, किसी भी तरह की चीज़ को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, और उन्हें एकदम समान ट्रीट किया जाता है, इक्वल ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद जो आपको राइट मिलता है वो है राइट टू एजुकेशन। वो आप सबको पता है कि जो भी बच्चे 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उन्हें फ्री एजुकेशन का राइट है। हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, और उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। उसके बाद जो आपको राइट मिलता है वो है राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ क्या है कि इसमें जो पनिशमेंट है जो स्कूल देते हैं वो नहीं दे पाते, क्योंकि पहले क्या होता था कि स्कूल में पनिशमेंट्स मिलती थी, बाद में वो बंद हो गई। तो राइट टू लाइफ के अंडर जो एक विद्यार्थी है उसे पूरा ये अधिकार है कि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़े जो कि सेफ हो, और उसे किसी तरह का डर ना हो, और उसे एक फ्रीडम वाला जो है वो इन्वायरमेंट मिले। तो राइट टू लाइफ में ये आता है कि जैसे होमवर्क हो गया और क्लास वर्क हो गया, बंक की क्लासेस, ये सब करने पर उन्हें कोई टीचर हार्श पनिशमेंट नहीं दे सकता। और स्पेशल राइट जो एक स्टूडेंट को मिलता है वो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, आपको अपने विचार रखने का अधिकार है, फिर वो चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से ये 5 राइट्स हैं जो हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए।